गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आठवीं कक्षा का पाठ कराने आई हूँ। आठवीं कक्षा के बच्चे अपने पुस्तक लेकर बैठ जाइए। तो पाठ पढ़ने से पहले आप सबने अब तक जब से आपका लॉकडाउन पड़ा है और आप जब से घर में हैं तब से आपने कितने पौधे लगाए थे, समझ सकते हैं ना आप मेरी भाषा? हाँ, तो आप कितने पेड़ों के पालन पोषण किया है और कितने पौधों को उगाया है, कह सकते हैं ना? आपने कभी सोचा है कि इतने दिन से मैं घर में हूँ, एटलीस्ट एक पौधा तो लगाऊ, उसका पालन पोषण करूँ, उसको पानी डालू, खाद डालू, सोचा है आपने? नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसी ही एक महान व्यक्ति है, एक महान महिला कह सकते हैं आप, जो आप भी आज के समाज में रहती है। कौन है वो? तिम्मक्का है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तिम्मक्का है। तो तिम्मक्का ना तो डॉक्टर थी, ना तो इंजीनियर थी, ना तो वही टीचर थी, ना तो ऐसे कुछ पढ़ना लिखना आता था, कुछ भी नहीं था। देखो हम तो इतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये अनपढ़ और गवार थी। कौन? हमारी तिम्मक्का अनपढ़ थी। कौन थी? अनपढ़ व्यक्ति थी। एक अक्षर उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, फिर भी समाज के सुधारण के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ विद्या नहीं होती, अपने सोच से भी कुछ काम लेना चाहिए, अपनी सोच को भी कुछ काम लेना चाहिए। तो कहा जाता है कि अगर आप सोचेंगे तो समझेंगे तो आपके सामने खुद ब खुद मार्ग निकल आएगा। तो देखो मैं आपके सामने यह बता रही हूँ कि वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का पाठ 11 था। इसका कोई कवि परिचय नहीं है, यहाँ पर तिम्मक्का का ही परिचय दिया गया है। तो तिम्मक्का को साल वर्ग तिम्मक्का कहा जाता है। आपके सामने प्रश्न आएगा क्यों तिम्मक्का को साल वर्ग तिम्मक्का क्यों कहा जाता है? क्या लिखेगा? ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದರು, ಸಾಲಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾ. ದೇಖ ಇನ್ಹೋನೆ ಪದಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹತ್ರ ಇದು ಎಕ್ ಸೈಡ್ ದೂಸರಿ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಪೌದೆ ಲಗಾಯೆ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ ಸಿರ್ಫ ಪೌದೆ ಲಗಾನೆ ಸೇ ಕುಚ್ ಭೀ ನಹೀಂ ಹೋತಾ, उसका पालन पोषण करना जरूरी है बच्चों। क्या करना है? उसको पानी डालना है, उसको खाद डालना है, और ये छोटे छोटे भेड़ बकरियों से और गाय से बैलों से उन्हें बचाना आवश्यक है, नहीं तो वो खा जाएंगे। उनके अदरक बांध बनाना, ये सब बहुत सारे काम हमारे तिम्मक्का ने किए। तो देखो यहाँ पर तिम्मक्का का जीवन कैसा था, क्या जी तिम्मक्का एक बहुत बड़ी अमीर व्यक्ति थी? नहीं थी। तो देखो क्या है, तो तिम्मक्का को अपने जीवन काल में बहुत सारे पेड़ लगाकर उनकी देखरेख की है। क्या की है? उनकी देखभाल ही की है। कतारों में शोभामय बरगद के पेड़ लगाने के कारण वे साल मर्द तिम्मक्का नाम से जानी जाती है। देखो रास्ते के अतराफ यानी रास्ते के उस पार और इस पार उन्होंने पेड़ों को लगाया, उगाया, उनका पालन पोषण किया, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? साल मर्द तिम्मक्का कहते हैं। लेकिन वे पेड़ बहुत बड़े हो जाने के बाद अब भी उसकी देखभाल कौन कर रही है? हमारी सरकार कर रही है। हम उसको फंक्शन में तो बुला सकते हैं, एक समारोह में बुला सकते हैं, और बुलाकर क्या सकते हैं, उनको बहुत सारे हम पुरस्कार दे सकते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि वे कैसे घर में रहती है? नहीं, किसी ने अब तक नहीं सोचा कि उसका घर कैसा है। वे एक छोटे से घर में रहती है। तो देखो इस पाठ में साल वर्ग तिम्मक्का के अमूल्य पर्यावरण प्रेमी का परिचय दिया गया है, जिससे बच्चे पर्यावरण की रक्षा करने में अपना निष्ठापूर्ण सहयोग दे सकते हैं। एक बार सुनने के बाद सालू मर्दा तिम्मक्का के
ये कोई बनी बानी बनाई हुई कहानी नहीं है बच्चों, एक हकीकत है जो आपको सुनना है और समझना है। ऐसे ही आपको भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा इनसे सीखना है, समझ रहे ना। तो देखो, साल भर की मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। अगर आप किसी तो छोटे बच्चे को पूछिए कि साल भर की मक्का कौन है, अरे वो अनपढ़ महिला जो रास्ते के आजू बाजू क्या किया उसने, पेड़ों को उगाया, वो साल भर की मक्का इसे कहते हैं बच्चे। तो देखो, कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित किया कि आज समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। मिसाल मीन्स उदाहरण, क्या है मिसाल, देख सकते हैं बच्चों आप, मिसाल मीन्स उदाहरण। मंदिर
संतान थी, माता पिता 6-7-8 व्यक्ति थे वे घर में। इतनी गरीबी के, इतनी गरीबी होते हुए भी उन्होंने इतना अच्छा समाज का सुधारण का काम किया उन्होंने। कौन? तिम्मक्का ने। तो देखो, तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, मेहनत करना और पूरे का पूरा दिन मजदूरी करना, जो मजदूरी में आया हुआ ले जाकर घर में अपने बच्चों को खिलाया करते थे। तो देखो, तिम्मक्का के पिता का, तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कला चिक्कैया था। देखो, एक गरीब परिवार में उनकी शादी करा दी गई। इसकी शादी, तिम्मक्का की शादी एक गरीब परिवार में करा दी गई। तो देखो, पिता अलग है और पति, आप समझ रहे ना कि पति कौन है? बिक्कला चिक्कैया। बिक्कला चिक्कैया, समझ रहे ना आप? माता का नाम क्या है विजय अम्मा, पिता का नाम चिक्का रंगैया और पति का नाम क्या है? बिक्कला चिक्कैया था। तो वे भी अनपढ़ थे। कौन? बिक्कला चिक्कैया भी क्या वे के डॉक्टरेट कर चुके थे क्या? नहीं। तो वे भी अनपढ़ थे। उनकी शादी बहुत गरीब व्यक्ति से करा दी गई। उनका विवाह हुआ गया। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे दोनों। कौन? पति पत्नी। कौन? वृक्ष तिम्मक्का और कौन? बिक्कला चिक्कैया। दूसरों के खेतों में, इतना अपना सा खेत इतना भी नहीं था उनके, दूसरों के खेत में क्या करते थे वे? क्या करते थे बोलो? जाकर मेहनत मजदूरी किया करते थे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो भूखे रहना पड़ता था। अगर उन्होंने एक दिन मजदूरी कर करके थक जाने के बाद अगर एक दिन भी घर में रहते तो उस दिन क्या करना पड़ता? भूखे पेट सोना पड़ता बच्चों ने। समझ रहे ना आप? हाँ। तिम्मक्का संतानहीन थी, निसंतान थी। निसंतान का अर्थ होता है उनका कोई संतान नहीं था। तिम्मक्का और किसका? बिक्कला चिक्कैया का कोई संतान नहीं था। पति पत्नी बच्चे के लिए तरस जाते थे। आपको पता है कि जब भी किसी की औलाद नहीं होती तो कितने दुखी होते हैं, इतना दुखी ये भी होते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। बहुत साल उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, पूजा पाठ किया, फिर भी उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने क्या लिया? एक छोटे से बच्चे को गोद ले लिया। दत्तपुत्र नाना के पड़े तारे बेरे मुकड़ना मगुवन्ना। दत्तपुत्र को, दत्तपुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कुटनिंदा सुननी पड़ी। जो लोग तिम्मक्का को औलाद दिए हुए थे, बच्चा दिए हुए थे, वो लोगों को समाज में ना रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि कहने लगे कि अरे बच्चे बच्चों को उसने क्या किया? गोद दे दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें पालने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। ऐसा अगर समाज में नहीं तो चार बातें बोल देते हैं लोग, चार बातें सुनना पड़ता है क्योंकि हम है ही समाज में। तो ऐसा लोग कहने लगे उन्हें कि उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। समाज की, चार इंसानों की चार बातें ना सुनते हुए उन्होंने अपना बच्चा वापस ले लिया। अपना दत्त पुत्र को तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। जब एक चीज उन्हें देकर वो चीज उनसे बहुत मोहब्बत करते रहते हैं, वे प्यार करते रहते हैं, अगर वो चीज छीन ली जाए तो वो बोलना बहुत बड़ा कष्ट होता है बच्चों। ऐसा ही किया था उन्होंने, अपना बेटा वापस ले लिया। यह बात सुनकर यह सब देखकर तिम्मक्का और बिक्कला चिक्कैया बहुत जैसे कि उन्होंने उनसे कोई छीन लिया हो ऐसा, वे दोनों बहुत दुखी होते हैं। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूर के उमेश बीए को पुत्र के रूप में अपनाया, जो अब उनकी देखभाल कर रहा है। किसी ने उनको दे दिया, अगर वो छीन गया तो क्या हुआ? भगवान ने तो दे दिया ना किसी और के रूप में। हाँ, तो देखो उनकी देखभाल के लिए जो 2005 में उन्होंने और दूसरे बच्चे को गोद ले लिया और वे आज तक उनकी देखभाल कर रहा है। दत्तपुत्र का नाम क्या है? उमेश बीएन। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया।
किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। तिम्मका ने डिसाइड कर लिया, अब क्या करेंगे, कोई औलाद नहीं थी, जो औलाद थी उसे तो पढ़ा लेकर हमने बड़ा कर दिया, लेकिन अब क्या करें, किस समाज कार्य के लिए अपना जीवन रख दे, ऐसा समझ कर उन्होंने क्या किया, देखो धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही शिवा श्री राघव स्वामी का मंदिर था। किसके गांव के सामने कौन था, कौन सा गांव था, गुब्बी तालुका का कनहल्ली में एक छोटा सा मंदिर था। किसका मंदिर था, श्री रंग स्वामी का मंदिर था, जहां पर हर साल मेला लगता था। मेला मीन्स जात्रे ಆಗಿತ್ತು। ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು। वहां आने वाले जानवरों के लिए पानी, पीने के पानी का इंतजाम किया, देखो उन्होंने किया पीने के पानी का इंतजाम किया। कौन, तिम्मका और उनके पति ने मिलकर, कोई ऐसा कर सकता है क्या, कितने जानवर आ सकते हैं वहां पर, बहुत सारे जानवर आ सकते हैं, उन सब को दूसरी जगह से, एक जगह से और दूसरी जगह को पानी लाना क्या छोटी बात है, नहीं, इतना बड़ा कष्ट भी उन्होंने हर साल किया। तो तिम्मका ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाने, सिंचने, बढ़ाने की बहुत सोची। अपने पति से कहा, देखो जी मैं आज से क्या करूंगी, रास्ते के आसपास यानी रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाऊंगी और उन्हें देख रेख करूंगी, ऐसा उन्होंने किया। बढ़ाने की बात सोची, यहाँ का आसान नहीं था, जितना वे सोचना आसान था उतना करना आसान नहीं था बच्चों। और फिर भी उन्होंने उल्लिकल और पुत्तूर के बीच के 4 किलोमीटर के रास्ते के दोनों ओर बरगद के डाल लगाए, आलमरगड़ना हचता बंदो रास्ते यार गलीगली इष्ट मामूली माता मकड़े हचे हागे बड़ोवंता हदल्ला मत्ते अधिक एन माडबेकु ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಅವರು ಪಹಲೆ ಸಾಲ್ ಕಿತ್ನೆ 10 ಪೇಡ್ ಉಡಾಯೆ ಕೌನ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕಾನೆ, ದೂಸರೆ ಸಾಲ್ 15 5 ಬಹಳ ಜಾದಾ ಕರ್ತೆ ಗಯೆ, ತೀಸರೆ ಸಾಲ್ ಮೇ 90 ಪೇಡ್ ಲಗಾಯೆ, ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನೆ ಬಚ್ಚೋ ಕಿ ತರಹ ಪೇಡ್ ಸೆ पाला पोसा, वहां का निरंतर 10 सालों तक चलता रहा। देखो जैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं ना हम, वैसे ही उन्होंने इनकी तो औलाद नहीं थी कोई, लेकिन पेड़ पौधों को उन्होंने औलाद समझकर उनका पालन पोषण किया और उन्हें उगाया। समझ रहे हैं ना बच्चों आप? हाँ। तिम्मका के जीवन में मुसीबत की घड़ी शुरू हो गई। इतने दिन तक तिम्मका बहुत आराम से थी अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ, लेकिन अब मुसीबत की घड़ी आ गई। मुसीबत मीन्स कष्ट की घड़ी आ गई। तिम्मका के पति की तबीयत खराब हो गई, आरोग्य खतरगढ़ता हो तो चिकरगण बुरी हालत में चिकैया चल बसे। तिम्मका अब अकेली पड़ गई, फिर भी तिम्मका ना हारी और अपने कार्य में तल्लीन हुई। जब चिकैया चले गए दुनिया से तो तिम्मका अकेली पड़ गई। अगर हम होते तो क्या करते, कुछ भी नहीं करते, पड़े रहते एक तरफ। लेकिन तिम्मका ने हार नहीं मानी अपने पति के जाने के बाद। क्या किया उसने, जितना काम अपने पति के रहते हुए करती थी उससे दुगना काम अपने पति के जाने के बाद करने लगी। बच्चों तिम्मका ने अब तक 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। कितने पेड़ लगाए हैं, 8,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं। अब हमारी कर्नाटक सरकार ने उन पेड़ों की रक्षा करने का बेड़ा उठा लिया है। अब तिम्मका को कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो कर चुके हैं वो, कुछ नहीं कर, सरकार भी क्या करेगी, सरकार भी बिना पेड़ों को काटने वालों से बचाएगी, बस क्या उसको उगाएगी, पालन पोषण करेगी, नहीं, ये सब काम तो तिम्मका बहुत पहले ही कर चुकी है। बच्चों तिम्मका को उनकी निष्ठा, त्याग तथा सेवा के लिए नाडोजी पुरस्कार, देखो कितने सारे पुरस्कार मिले हैं, एक अनपढ़ महिला को इतने सारे पुरस्कार, बहुत ग्रेट है ये महिला। देखो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, नाडोजी पुरस्कार, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार,
सम्मान पत्र आदि अनेक अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। इतने सारे पुरस्कार पाकर महिला बहुत खुश थी और इतने सारे पुरस्कार उसमें रखने के घर में उसके जगह स्थान नहीं था, तो उसने क्या किया, वो जो उसके सम्मान से धनराशि आई हुई थी समाज की सेवा में उसने डाल दिया। समझ रहे ना बच्चों, इस महिला का दिल कितना बड़ा है। कि तिम्मक्का जीसन एक्स 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही है। देखो इन सबको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर, याद करना है। तिम्मक्का को 2012 में संपन्न प्रथम राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की अध्यक्ष रही। कौन? हमारी तिम्मक्का। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है। सिर्फ पेड़ों को उगाना बढ़ाना उनकी रक्षा करना वही नहीं, समाज के कार्य भी कुछ कर रही है तिम्मक्का। क्या कर रही है? अपने पति की याद में उन्हें पुल्लिकल ग्राम में गरीबों की निशुल्क चिकित्सा के लिए एक अस्पताल के निर्माण करने का संकल्प लिया है। देखो कितना बड़ा महान व्यक्तित्व है और महान सोच है इनकी कि वहां पर एक अस्पताल है पुल्लिकल ग्राम में, इसीलिए गरीब बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाना चाहती है और उस अस्पताल में उचित चिकित्सा देने की कोशिश कर रही है हमारी तिम्मक्का। तो समाज के लिए बच्चों, समाज में जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए एक मिसाल बनी हुई है, निर्माण कर रही है। जो अभी धनराशि पुरस्कार के रूप में तिम्मक्का को मिले हैं उसे वहां सामाजिक कार्य अधीन दुखियों की सेवा में अर्पित कर रही है। देखो हम कर सकते हैं क्या? हम और आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन में दर्द और तकलीफ उठाने के बावजूद सार्थक कार्य करने वाली तिम्मक्का का व्यक्तित्व सबसे सबके लिए आदर्श है। अपने जीवन में कभी उसने खुशी से खुशी नहीं देखी, जीवन में सिर्फ कष्ट ही सहा है। जब तक वो मायके में थी तभी उसे कष्ट था, जब उसने विवाह हो गया तब भी कष्ट था, जब उसका पति चला गया तब भी उसके लिए कष्ट था, लेकिन इतना कष्ट सहकर भी उसने क्या किया, आज समाज में एक स्थान पा लिया। व्यक्ति सबके लिए आदर्श है। सरकारी संसदों के अभाव भी कोई एक व्यक्ति केवल अपनी निष्ठावान श्रद्धा की बदौलत किस तरह समाज कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता है, इसके लिए एक अत्युत्तम निदर्शन तिम्मक्का है। समझ रहे ना? समाज में अगर हम कुछ कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर अपने आप में कुछ बन सकते हैं तो हम क्या करना है, तिम्मक्का को देख कर सीखना है बच्चों। समझ रहे ना? ना तो अपने मायके में उसको अमीरी मिली, ना तो पति के घर में उसे अमीरी मिली, सिर्फ मेहनत मजदूरी करके उसने इतना अच्छा सोचा कि समाज के कार्य कर सको, अस्पताल बना सको। समझ रहे ना बच्चों? इतना अच्छा अभी कोई सब नहीं सोच सकते ऐसा, सबकी सोच ऐसी नहीं होती, कुछ लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं। तो समाज के लिए एक आदर्श है कौन? हमारी तिम्मक्का। हम सब के लिए, हम सब के लिए एक आदर्श बन गई है हमारी तिम्मक्का बच्चों। तो आप एक बार तिम्मक्का पाठ पढ़ लीजिए, मैं आपको एक लिंक भेज चुकी हूँ बच्चों, उसमें आपको सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। मैं आपको और प्रश्न उत्तर नहीं भेजूंगी, आप लिंक खुले निकाल लो और क्या करो उसमें से प्रश्न उत्तर देकर लिख लो। धन्यवाद।